ये बताने के लिए कि आपके जीवन में गुरु की क्या महत्ता है, आपके शब्द कुछ इस तरह से होंगे। जिंदगी की राह भी यूं आसान ना होती कि जिंदगी की राह भी यूं आसान ना होती, न होता साथ मेरे ये कारवां, मेरी इस कदर ये शान ना होती। मेरा सब कुछ है मेरे गुरु की बदौलत, कि मेरा सब कुछ है मेरे गुरु की बदौलत। अगर गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मेरी कोई पहचान ना होती, अगर गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मेरी कोई पहचान ना होती। गुरु की महिमा का बखान आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वेदों की ऋचाएं संकलित कर सार करते हो, भंवर में फंसी नौकाओं को भव से पार करते हो। हम वे सिलाएं हैं जिनका मोल कुछ नहीं होता, हम वे सिलाएं हैं जिनका मोल कुछ नहीं होता। तुम उनको सुंदर रूप देकर उद्धार करते हो, तुम उनको सुंदर रूप देकर उद्धार करते हो। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले शिक्षक के लिए आपके शब्द कुछ इस तरह से होंगे। मंजिल पाने का भी अपना एक सुरूर होता है, मंजिल पाने का भी अपना एक सुरूर होता है। सबके जीवन में एक सच्चा गुरु जरूर होता है, उस गुरु की अहमियत को कभी कम न समझना कि उस गुरु की अहमियत को कभी कम न समझना, क्योंकि गुरु ही सबके मंजिल का गुरूर होता है, गुरु ही सबकी मंजिल का गुरूर होता है। गुरु से जो सीख मिली उसका धन्यवाद कुछ इस तरह से अदा करें। जिंदगी जीने का किनारा बता दिया, तेज भंवर से निकलना सिखा दिया। जिंदगी जीने का किनारा बता दिया, तेज भंवर से निकलना सिखा दिया। क्यों रखूं मैं और उम्मीद आपसे, क्यों रखूं मैं और उम्मीद आपसे, कि इतना कम है कि आपने हमें चलना सिखा दिया। आपके शिक्षकों ने आपकी सारी समस्याओं को किस तरह से दूर किया इसे बताने के लिए आपके शब्द कुछ इस तरह से होंगे। जहां गुरु सा कोई स्वरूप होता है वहां समाधान खुद समस्या के अनुरूप होता है। जहां गुरु सा कोई स्वरूप होता है वहां समाधान खुद समस्या के अनुरूप होता है। छड़ी दवात कलम ले पुस्तक हाथ में, छड़ी दवात कलम ले पुस्तक हाथ में, शायद गुरु भी माँ बाप का एक रूप होता है, शायद गुरु भी माँ बाप का एक रूप होता है। गुरु के प्रति आपका सम्मान और फर्ज आप कुछ इस तरह से अदा करें। कर्ज कैसे अदा करूं आपकी मेहरबानियों का, कर्ज कैसे अदा करूं आपकी मेहरबानियों का, जो बदमाशियां की और उनकी नादानियों का। माँ बाप की तरह पाला है मुझे आप सबने, कि माँ बाप की तरह पाला है मुझे आप सबने। फर्ज पक्का अदा करूंगा दुश्मन बन के आपकी परेशानियों का, दुश्मन बन के आपकी परेशानियों का।